सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हम लोग का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चैनल आज हम बात करेंगे नोकिया 2 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोन का मेन हाईलाइट के बारे में, बात करना। तो पहले स्टार्टिंग करता हूँ डिस्प्ले से। डिस्प्ले में आपको 5 इंच का डिस्प्ले मिलेगा जो फुल एचडी नहीं है, 720 का डिस्प्ले है। इसमें आपको प्रॉपर डुअल सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, जियो वो सब का नेटवर्क तो सब मिलेगा ही, बिंदास चला लोगे। और अब बात करेंगे कैमरा में, आपको 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल रहा है, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है। 8 मेगापिक्सल कैमरा में आपको फ्लैश मिल रहा है जो कोई कंपनी देता नहीं है, तो नोकिया महान काम कर चुका है इधर। अब बात करेंगे इसका प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर में आपको स्नैप ड्रैगन का 212 मिल रहा है, जो जितना मुझे याद है 1 साल 2 साल पहले HTC फोन में निकालता था और मोटोरोला वाले फोन में मैं देखा हूँ। कब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, तब मैंने देखा था। अब बात करते हैं इसका इंटरनल स्टोरेज और रैम में। इंटरनल में आपको 8 GB का इंटरनल मिलेगा और पूरा 1 GB का रैम मिल रहा है, जो कोई फोन नहीं दे रहा इस टाइम, इसलिए नोकिया ने निकाला है 1 GB रैम। रैम के बारे में बात करेंगे, इसका मेन हाईलाइट है जो नोकिया पूरा बोलकर न्यूक्लियर बम छुपा के रखा था। इसमें 4100 mAh का बैटरी है, 4100 mAh, मतलब मैं इसमें पैसा वेस्ट करूंगा, उससे अच्छा मैं रेडमी 4 ना ले। पर छोड़िए ये सब बात, गलत बात हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इसमें 4100 mAh का बैटरी मिला, जो नोकिया वाले लोग बोला है कि 2 दिन का बैटरी बैकअप देगा, 2 दिन का बैटरी बैकअप देगा। अब बात करते हैं इसका प्राइसिंग के बारे में। प्राइसिंग का मैं बात करूँ तो यूरोस कंट्री में ये लगभग 99 यूरोस का बिकेगा, और इसको कन्वर्ट करते हैं इंडिया करेंसी में ये लगभग 7,500 रुपये निकल के आ रहा है। और यूरो कंट्रीज में दाम थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इंडिया में लगभग 7,000 के अंदर लॉन्च करेगा नोकिया वाले लोग। तो इसमें एक बात मैं बोलना भूल गया कि इसमें फिंगरप्रिंट भी नहीं। अब बात करते हैं मेरा ओपिनियन के बारे में। ओपिनियन में क्या दूंगा, इस फोन में ऐसा काबिल ही नहीं है कि मैं उसका ओपिनियन दूँ, मगर वीडियो बनाए तो ओपिनियन देना पड़ेगा। तो यूनाइट टू एक टाइम में बहुत ज्यादा बिकता था फोन, बहुत ज्यादा बिकता था, मतलब मेरे ग्रुप में बहुत जन लोगों ने परचेस किया था वो फोन को, मैंने भी परचेस किया, मैंने दो दो बार परचेस के दोनों बार भेज दिया, वैसा कंडीशन था मेरा। तो मैंने भी परचेस करके यूज किया था, फोन मस्त था। वो फोन लगभग 2 से 3 साल पहले निकला था, और नोकिया का नोकिया 2 वैसा ही फोन है, उसको 2 से 3 साल पहले निकलना चाहिए था, ये बात ये निकाला है। मैं यूनाइट 2 में था कि मीडियाटेक का प्रोसेसर था, और नोकिया 2 में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, फर्क सिर्फ इतना ही है। और यूनाइट 2 में कम बैटरी था, इसमें ज्यादा बैटरी है। यूनाइट 2 में 2000 mAh का बैटरी था, इसमें डबल कर दिया, 4100 mAh का बैटरी दे दिया बस। और उसमें भी 1 GB रैम, इसमें भी 1 GB रैम, 8 GB इंटरनल, इसमें भी 8 GB इंटरनल उसमें मिला। अब बात करते हैं आपको ये फोन परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सीधा लव में बोल रहा हूँ, सिंपल वर्ड, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, अगर आप 7,000 वेस्ट कर रहे हो, मतलब वेस्ट नहीं कर रहे, मतलब 7,000 भिड़ा रहे हो, तो आराम से रेडमी 4 ले लो, 16 GB वाला वेरियंट, वो भी अच्छा है, वो आराम से लेके आप यूज कर सकते हो। प्रोसेसर अच्छा है, फिंगरप्रिंट मिल रहा है, फिर 2 GB रैम मिलेगा, 16 GB इंटरनल मिलेगा, भले जो 2 GB रैम में रुला देता है वो फोन, मगर 2 GB रैम से 2 GB रैम, और नोकिया में 1 GB रैम मिल रहा है, ये थोड़ा ड्रॉबैक है। अब बात करते हैं अगर आपको रेडमी का फोन नहीं पसंद है, तो आप E3 पावर देख सकते हो। E3 पावर में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, उसमें भी बैटरी अच्छा दिया हुआ है, प्रोसेसर अच्छा दिया हुआ है, 2 GB रैम में 16 GB इंटरनल, भले मार्शमेलो में है पर फोन अच्छा है। अगर आप 7,000 वेस्ट कर रहे हो तो वो सब फोन भी देख सकते हो। और ऐसा मुझे समझ में नोकिया ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा प्रोसेसर तो HTC लाता था अपने डिजायर का मॉडल में, वो सब फोन फ्लॉप था, वैसे ही नोकिया इस साल करके रहा कि सब फोन फ्लॉप है। तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, सिंपल बोलूंगा ये फोन हम लोग के लिए नहीं बना है। और एक अवेयरनेस वीडियो डालना चाहूंगा, अवेयरनेस के बारे में बोलना चाहूंगा। अगर आपके पापा मम्मी फोन खरीदने जाते हैं तो वो लोग को समझा देना कि कुछ भी हो जाए नोकिया 2 परचेस नहीं करने, क्योंकि सब लोग तो बोलेगा नोकिया 2 में ये है, नोकिया 2 में वो है। अब व्हाट्सएप अगर फोन हैंग करेगा तो बहुत ज्यादा गुस्सा लगता है, तो मैं समझ रहा हूँ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपना मम्मी पापा को ये फोन परचेस मत करने देना। इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं डेली बेसिस पर बनाता हूँ और आप लोग को अप टू डेट रखता हूँ। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जो भी आपको मन में आए, जो भी मतलब आइडिया आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलना नोकिया कैसा फोन है, नहीं फोन है, ये है वो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिंदास कमेंट करो, मुझे जानना है क्या मतलब क्या सोचता है नोकिया 2 के बारे में।